तो टेरेस्ट्रियल को सिस्टम में जो है जो चैप्टर 3 है तुम्हारा, इसमें कुछ बहुत ज्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग इसका बहुत सारा पार्ट जो है ज्योग्राफी में देख चुके हैं। बट अगेन हम लोग रिवाइज ही कर लेंगे, इसी बहाने बार बार दिमाग में जाते रहेगा वाली बात है, आ जाओ, इसी बहाने बार बार दिमाग में जाते रहेगा, ठीक है, हम लोग वो भी देख लेते हैं। तो सिंपल सा ये है कि देखो अगर तुम लैंड जमीन पर देखोगे तो डायवर्सिटी किन किन चीजों पे डिपेंडेंट है, मोस्टली किस चीज से ज्यादा इन्फ्लुएंस होती है, एक तो टेम्परेचर और एक सनलाइट, मतलब सनलाइट प्रेसिपिटेशन, ठीक है, टेम्परेचर एंड रेनफॉल। और सनलाइट का क्या इफेक्ट हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि जैसे जैसे तुम इक्वेटर से जाते जाओगे पोल की ओर क्या होता जाएगा, डायवर्सिटी कम होता जाएगा, सिंपल बात है, ठीक है, तो उस सेंस में है, ठीक है। बट सन मेनली क्या है, प्रेसिपिटेशन का फर्क पड़ता है और टेम्परेचर का फर्क पड़ता है। वहीं पर अगर तुम पानी में चले जाओगे तो फिर डायवर्सिटी किस चीज पर डिपेंडेंट हो जाएगी, सनलाइट पे सबसे ज्यादा डिपेंडेंट हो जाएगी, क्योंकि सनलाइट रहेगा तो फोटोसिंथेसिस का पॉसिबिलिटी है। दूसरा टर्बिडिटी, वाटर टर्बिडिटी तो सनलाइट से, सनलाइट का मतलब ठीक है, उसका एक वन ऑफ द फैक्टर्स कंट्रोलिंग सनलाइट है। दूसरा सैलिनिटी से भी ज्यादा डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन कितना है उसी हिसाब से कैरिंग कैपेसिटी टाइप से हो जाएगा उसका, ठीक है, तो वो चीज मैटर करता है। और यही कारण है कि हम जो बात कर रहे थे कि बहुत ज्यादा नीचे जाओगे डायवर्सिटी कम हो जाएगा, लेकिन उथला पार्ट जहां पे रहेगा वहां पे खास करके अगर बेस भी मिला हुआ है तो वहां पे डायवर्सिटी अच्छा खासा रहता है समुद्र में। ओके, तो अब टुंड्रा का, सबसे पहले टुंड्रा है, तो टुंड्रा के बारे में क्या क्या याद है, ऐसे बिना देखे बात करते हैं, ठीक है। तो टुंड्रा के बारे में, टुंड्रा क्या सबसे टॉप पे था, तो वहां पे तो पेड़ पौधा होने का कोई स्कोप नहीं था, तो क्या था हमारे पास, मॉसेस था, लाइकेंस था, हाँ वार्म ब्लडेड रेप्टाइल्स नहीं पाया जाएगा, जिस उस दिन भी हम लोग पढ़ रहे थे, कहाँ पढ़ रहे थे पता नहीं, पर रेप्टाइल्स नहीं पाया जाएगा, ठीक है, मतलब एम्फीबियंस नहीं पाया जाएगा, तो इस टाइप, क्योंकि जो भी कोल्ड ब्लडेड होगा उसको दिक्कत होगा, ठीक है, ये पार्ट। दूसरा क्या है कि इन जनरल तुमको पता है, तुमको सबसे बहुत ज्यादा गर्मी लगता है या कभी ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, कान लाल हो जाता है या कान गर्म हो जाता है, ठीक है, कान जो होता है एक्चुअली क्या होता है, कूलिंग एजेंट का काम करता है, जितना बड़ा कान, हाथी का कान देखना बहुत बड़ा होता है, तो वो कूलिंग एजेंट का काम करता है, ठीक है। तो जितना तुम पोल की ओर बढ़ोगे तो सरफेस एरिया रिड्यूस करने का टेंडेंसी बढ़ेगा जानवर का, यानी जानवर गोलू मोलू टाइप का होगा, ठीक है, तो मतलब क्यों, क्योंकि गोलू मोलू होने से क्या होता है, सरफेस एरिया कम होगा, तो पूंछ छोटा होगा, जो जो हीट जहां से रिलीज हो सकता है, कान छोटा होगा, ठीक है, ये सब भी एक एडेप्टेशन तुम कह सकते हो, टेम्परेचर के हिसाब से जानवर का एडेप्टेशन है, ठीक है, तो ये भी चीज एक है। अब साथ में अगर हम देखें तो वही सब दिया हुआ है कि मैमल्स ऑफ द टुंड्रा रीजन हैव लार्ज बॉडी साइज, स्मॉल टेल एंड स्मॉल ईयर टू अवॉइड द लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द सरफेस। सिंपल है कि साइज जो है गोलू मोलू टाइप का हो, ठीक है, उसका पर्पस क्या है कि सरफेस एरिया छोटा होना चाहिए, क्योंकि स्फेयर का सरफेस एरिया छोटा होता है, ठीक है, तो वो चीज एक, वो एक फैक्टर रहेगा। बाकी तो हमको पता है मॉसेस है, लाइकन्स है, ये सब है, रेंडियर रुंडियर पाया जाता है, तो वो सब तुम्हारी किताब में दिया हुआ है, और जो फोटो खींच के फिर से कुंदन भेजेगा उसमें तुमको वो सब हाईलाइटेड मिल जाएगा। अब आते हैं हम कॉनिफेरस ट्री पे, बोरियल फॉरेस्ट पे। बोरियल फॉरेस्ट के बारे में हम लोग क्या क्या जानते हैं, एक एक कुंदन, इसका लीव जो होता है नीडल शेप होता है, नीडल शेप होता है, नेक्स्ट बोरियल फॉरेस्ट के बारे में क्या क्या जानते हैं, बोरियल फॉरेस्ट या टाइगर, बोरियल फॉरेस्ट मतलब टाइगर, क्या क्या जानते हैं पता, कॉनिकल शेप होता है, कॉनिफेरस शेप होता है, और क्या जानते हैं, लंबर जैकिंग होता है, लंबर जैकिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी के सेंस में हो गया, बट इन जनरल पेड़ या इन्वायरमेंट का क्या खासियत होता है, सॉइल की क्वालिटी जो होती है वो पुअर होती है, और उसका कारण क्या था पुअर होने का, क्योंकि डिके नहीं हो पाता, ह्यूमस नहीं बन रहा, साथ में मैंने क्या बताया था, सॉइल थोड़ा सा एसिडिक साइड में होता है, ठीक है,
और उसी सेंस में मैंने क्या बताया था कि बोरियल रीजन जो है तुम्हारा एक तरह से क्या है, एक लार्ज कार्बन सिंक है, ग्लोबल वार्मिंग से एक पोटेंशियल है कि वहां से वो जो है कार्बन इमिट कर सकता है, ठीक है। बट आज के दिन में चूंकि परमानेंट फ्रॉस्ट, परमा फ्रॉस्ट बोलते हैं, परमानेंट फ्रॉस्टेड रीजन है, तो वहां पर क्या है वो एक तरह से कार्बन सिंक की तरह से काम करता है। और क्या क्या जानते हैं हम लोग, ट्रीज मोस्टली प्योर स्ट्रैंड में पाए जाते हैं, अंडरग्रोथ, ठीक है, कंटिन्यूअस बेल्ट है ऊपर में, हो गया पूरा कंटिन्यूअस बेल्ट है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पूरा पूरा जो है साइबेरिया कनाडा सब लिंक है, अलास्का वाला पार्ट वो सारा पूरा क्या कनेक्टेड है, वो सब दिमाग में आ रहा है, आ रहा है हम, ठीक है। लाइट बहुत होगा, अच्छा इसमें मैं एक चीज पढ़ा, जस्ट सुनना, उसको जस्टिफाई करो। पहला सेंटेंस लिखा है कोल्ड रीजन, मतलब कॉनिफेरस ट्रीज के बारे में बोल रहा है, कोल्ड रीजन विथ हाई रेनफॉल, स्ट्रॉन्ग सीजनल क्लाइमेट्स विथ लॉन्ग विंटर्स एंड शॉर्ट समर आर कैरेक्टराइज्ड बाय बोरियल कॉनिफेरस फॉरेस्ट। अच्छा इसमें देखो, शॉर्ट समर लॉन्ग विंटर क्लियर है, मोस्टली ठंडा ही रहता है, थोड़े टाइम के लिए गर्मी आती है, ठीक है, कोल्ड रीजन है, ठीक है। हाई रेनफॉल किस सेंस में, कंपेरेटिव सेंस में, जितना वहां से इवेपोरेशन होता है, डेजर्ट क्या है यहाँ पे कि कंपेरेटिव सेंस में ज्यादा इवेपोरेशन होता है, राइट, या रेनफॉल कम होता है। तो ये जो हाई रेनफॉल लिखा है, इसको ऐसे मत लेना कि लिटरली की इक्वेटोरियल के टाइप का बारिश हो रहा है, मतलब उस रिलेटिव सेंस में, बट अगेन उसमें मतलब वो बस बताने के लिए मैंने बताया कि कंफ्यूज मत होना, उसके लिए मैं बता रहा हूं, ठीक है। सॉइल कैसा क्वालिटी है, थिन है, पुअर है, एसिडिक है, मिनरल डेफिशियंट है, ठीक है। फिर कहता है द प्रोडक्टिविटी एंड कम्युनिटी स्टेबिलिटी ऑफ ए बोरियल फॉरेस्ट आर लोअर देन दोज ऑफ एनी अदर फॉरेस्ट इकोसिस्टम। सिंपल है, लाइट कम है तो प्रोडक्टिविटी, बायोमास का प्रोडक्टिविटी, नेट प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और पूरा का पूरा जो कि सिस्टम क्या होगा, बहुत मतलब फ्री, मतलब स्टेबल है बस, बहुत ज्यादा अगर तुम डिस्टर्बेंस करोगे तो अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी चलो, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। टेम्परेट डेसिडुअस पे ध्यान नहीं देना है, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट एक्चुअली मेडिटेरेनियन टाइप को बोलते हैं, टेम्परेट एवरग्रीन क्या होता है, मेडिटेरेनियन। मेडिटेरेनियन का क्या क्या खासियत था मुकेश, फ्रूट्स मिलता था, नहीं क्लाइमेट का पहले बताओ, टेम्परेचर बारिश कब होगा, कैसे होगा, कैसे पकड़ोगे, मैंने क्या क्या चीज देगा एग्जाम में जो कि तुम पकड़ लोगे कि मेडिटेरेनियन है, सिट्रस फ्रूट एक चीज है, और अगर बोले विंड प्रेशर के शिफ्टिंग के कारण ये क्लाइमेट बनता है तो पकड़ोगे कि नहीं पकड़ोगे, विंड प्रेशर बिल्कुल, और वही कारण है कि क्या होता है बारिश कब होती है, विंटर रेन समर ड्राई, यूजुअली जितना क्लाइमेट हम लोगों ने पढ़ा है सब में समर में बारिश ज्यादा होती है, बट ये अकेला क्लाइमेट है जहाँ की विंटर में बारिश होती है और समर ड्राई होता है, उसका कारण क्या है, शिफ्टिंग ऑफ विंड प्रेशर, याद आ रहा है, ठीक है। और क्या था ये, और क्या क्या पेड़ था, सिट्रस फ्रूट एक चीज हो गया, और फल फ्लावर्स के लिए अंगूर, अंगूर के लिए है फ्लावर, और बताओ ऑलिव्स के लिए, नट्स के लिए, बेस्ट क्वालिटी वाइन, ठीक है। तो ये सारा चीज के लिए, तो मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, ठीक है। तो हमने क्या बात किया, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट का मतलब क्या हो गया, वो टेम्परेट रीजन में है, एवरग्रीन फॉरेस्ट है तो मेडिटेरेनियन टाइप है, तो क्या वार्म ड्राई समर्स, कूल मॉइस्ट विंटर्स, समझ में आ रहा है, लो ब्रॉड लीफ एवरग्रीन ट्रीज है, ठीक है। तो ये सारा चीज है, ओके। अच्छा मैमल्स जो भी होगा वो वार्म ब्लडेड होगा, ग्रे बॉक्स की मैं बात कर रहा हूं, तो फॉर एग्जाम्पल वेल क्या मैमल है, ठीक है, वो पेंगुइन मैमल है, और भी तुम्हारी किताब में आई थिंक पॉर्पोइस दिया था, और भी कुछ एक दिया था कैटासियंस जिसको बोल रहा था, जो भेजे थे उसमें था आपके नोट्स में था। मैमल्स वर्टिब्रेट में भी कोई कनेक्शन है क्या, वर्टिब्रेट हो गया जिसका पीठ का रीढ़ है, ठीक है, मछली फॉर एग्जाम्पल मैमल नहीं है बट वर्टिब्रेट तो है ही उसके पास ना, मैमल्स जो कि सही बोल रहा है, क्योंकि मैमल्स का मतलब ये हो गया जो ब्रेस्ट फीडिंग करवाता है,
जिसके पास मेमोरी ग्लैंड है वो मैमल हो गया। चलो ठीक है। अच्छा फिर आ जाते हैं नेक्स्ट पे, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, लीची के कारण उसका जो होता है क्या होता है, सॉइल पुअर क्वालिटी का होता है, लेकिन जब तक पेड़ का कवर है तब तक सॉइल क्या होता है, रिसाइकलिंग बहुत फास्ट होता है। तो ये सारी बातें हम लोग पढ़ चुके हैं इक्वेटोरियल क्लाइमेट में, जस्ट रिवाइज हो रहा है हमारा, ठीक है। ओके अब आ जाओ इसके बाद, मोस्टली नहीं पढ़ना है, देखो एक बार कैजुअली पढ़ लेना, बट जो हाईलाइटेड मैंने मार्क कर रखा है ना उस पर ध्यान देना, बाकी पार्ट कैजुअली तुम जस्ट पढ़ सकते हो, लगे कुछ याद करना है कुछ करना है तो कर लेना, अदरवाइज उसको छोड़ सकते हो। अच्छा एक बात बताओ, डिफॉरेस्टेशन से ग्राउंड वाटर नीचे होगा कि नहीं होगा, जस्ट एक सवाल है। बिल्कुल सब तरह से, बारिश जहाँ पेड़ होगा वहाँ बारिश ज्यादा होगा, जहाँ पेड़ होगा वहाँ वाटर का क्या होगा, बारिश पड़ेगा तो सीपिंग भी ज्यादा होगा, राइट, परकुलेशन भी ज्यादा होगा, अदरवाइज तो अगर रन ऑफ हो जाएगा है कि नहीं, तो होगा भी ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये सब चलो मतलब कोई ट्रिक क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। अच्छा फिर है जो मैं तुमसे पूछना चाह रहा था, हाँ अच्छा, डेजर्ट क्लाइमेट के अडेप्टेशन को जीरो मतलब जीरो फाइट्स बोलते हैं, जो पेड़ होते हैं जीरो फाइटिक अडेप्टेशन बोलते हैं कि डेजर्ट में अडेप्ट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, XERO5, ठीक है, जीरो फाइटिक अडेप्टेशन बोलते हैं। तो जीरो फाइटिक अडेप्टेशन का बताओ, उसमें ये होगा कांटा जो रहता है थॉर्न होगा, ठीक है, पत्ता की जगह थॉर्न हो जाता है, फिर क्या होगा मस्कुलर स्टेम होगा ताकि पानी ड्रॉप, वैक्सी होगा ताकि इवेपोरेशन कम हो सके, स्टेम जो होगा वो थोड़ा मोटा होगा, बिल्कुल, कई बार स्टेम जो होता है उसमें क्लोरोफिल होता है क्योंकि पत्ता की जगह कांटा है तो फूड प्रोडक्शन के लिए काम हो जाएगा, रूट्स काफी लंबा होगा, ये टाइप होगा, गर्मी में जड़ लग जाएगा मर जाएगा, उसमें बहुत सारा पेड़ का क्या होता है, क्वालिटी होता है, ये बारिश आया जिंदा रहा बाहर ग्रो किया फिर बारिश खत्म हुआ मर गया, तो मरा मतलब ऊपर मर गया जमीन के नीचे दब गया, ठीक है। एनिमल का एडेप्टेशन क्या क्या है, पैर बड़ा पैर लंबा होगा ताकि जमीन के हीट से बच के रहे, फास्ट चलता है, ठीक है, रात में हंटिंग की टेंडेंसी होना, ठीक है, रात में हंटिंग की टेंडेंसी होना, ये सारा क्या, फिर क्या है कि बहुत कंसंट्रेटेड यूरिन होना, ये सारा भी उन लोग का एडेप्टेशन है, ये सब तुम्हारी किताब में दिया हुआ, कोई भी ऐसा चीज नहीं है, बट अगेन इसको पढ़ लोगे एक बार, ठीक है, कई बार क्या होता है नहीं पढ़े रहोगे ना तो कंफ्यूजन हो जाएगा। अच्छा फौना में एक खास करके ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, ठीक है, तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहां पाया, राजस्थान का स्टेट बर्ड है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्या है, राजस्थान का स्टेट बर्ड है, ठीक है, और उसका ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कंजर्वेशन प्रोग्राम भी है उसका, तो राजस्थान का कंजर्वेशन प्रोग्राम है, हाँ उसको हिंदी में अब कुछ नाम बोलते हैं अलग से तो उसके नाम पे है, बट अगेन स्टेट बर्ड है और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कंजर्वेशन प्रोग्राम भी राजस्थान का अपना है। ये पेज नंबर 28 नए वाले में है, ठीक है, फौना में भी जो फौना लिखा है उसमें, ठीक है। तो इसमें और भी तुम देखो किस किस टाइप का फौना इस तरह के स्क्रबी ड्राई लैंड में पाया जाता है, देखो वाइल्ड एस भी कहाँ है, रन ऑफ कच्छ में, ठीक है, ब्लैक बग, चिंकारा, ठीक है, उसके बाद अगर नीचे फ्लेमिंगोस का जो है सॉल्टी इस सब पानी में फ्लेमिंगो नेस्टिंग मतलब उसमें बच्चा देने के लिए आता है, ठीक है, उसको क्या दिया होगा, नेस्टिंग ग्राउंड फॉर फ्लेमिंगोस, जैसे कि फॉर एग्जांपल रन ऑफ कच्छ है, ठीक है, सांभर लेक जब बता रहे थे उस वक्त भी बताए थे फ्लेमिंगो वहां पर है कि नहीं, तो ये सारा क्या है तुमको इन्हीं मतलब राजस्थान गुजरात इस सब एरिया में है जहां पे ड्राई सॉल्टी वाटर है इस टाइप का, ठीक है, तो ये हो गया तुमको अडेप्टेशन। अच्छा कोल्ड डेजर्ट तो ऐसे ही है, बायोडाइवर्सिटी ऐसे, अच्छा कोल्ड एरिया में जैसे कि अपनी किताब में लिया भाई कि कोल्ड डेजर्ट ले लता जम्मू कश्मीर का वो वाला पार्ट, ट्रांस हिमालय वाला पार्ट के ईस्ट लाइन,
पूरा अक्साई चीन और सोडा प्लेन्स और वो वाला पॉइंट अगर याद आ रहा है सदर्न स्लोप ऑफ हिमालय नॉर्थ नहीं नॉर्थ हो गया ना सदर्न स्लोप तो हम लोग सैगे हो गए सदर्न स्लोप पे ठीक है ट्रांस हिमालय वाला रीजन का ईस्टर्न पार्ट था ना लेह लद्दाख उधर का राइट स्पीति वैली हो गया फिर ठीक है तो इन सब एरिया में कौन से टाइप का जानवर पाया जाता है जानवर का नाम देखते रहना बहुत जरूरी है ठीक है ताकि तुम्हारे दिमाग में जाते रहे कि किस टाइप का जानवर किस एरिया में पाया जाएगा वो देखना जरूरी है स्नो लेपर्ड तो टिपिकल है स्नो लेपर्ड बहुत हाइट पे ही पाया जाता है ठीक है तो स्नो लेपर्ड टिपिकल है फिर देखो नाम दिया हुआ है बायोडाइवर्सिटी में एशियाटिक आइबेक्स तिब्बतियन अरागाली ठीक है ये सब दिया हुआ है बट इसमें जो खास करके याद रखने वाला है तिब्बतियन एंटीलोप जिसको चीरू बोलते हैं बिल्कुल ठीक है उसके बाद स्नो लेपर्ड हो गया तिब्बतन वाइल्ड एस कियांग ब्लैक नेक्ड क्रेन ठीक है तो ये सब इंपॉर्टेंट है ये सब तुमको इम्पोर्टेंट है ठीक है बट अगेन सारा नाम एक बार देखते रहोगे तो दिमाग में जाते रहेगा कि इसका लोकेशन कहां पर है ठीक है एक्चुअली तुमको तिब्बतियन एंटीलोप की जगह वो चीरू करके ही देता है एग्जाम में ठीक है ना तो उस हिसाब से देख लूंगा और तिब्बतियन वाइल्ड लाइफ को क्या बोलते हैं कियांग चलो ठीक है अच्छा आते हैं हम डेजर्टिफिकेशन पे ठीक है अनफॉर्चुनेटली मैं लेके नहीं आया अपना लैपटॉप बट चलो कोई बात नहीं डेजर्टिफिकेशन में तुम्हारे किताब में जो दिया है वो तो देख लोगे बट लेटेस्ट डाटा जो मैंने देखा है वही जो तुम्हारा डेजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन एटलस 2016 में वापस से रिलीज किया था उसके हिसाब से अगेन वही है जो बाकी क्लासिफिकेशन है वो तो ठीक है बट डेजर्टिफिकेशन इज अफेक्टिंग नियरली 30% ऑफ द एरिया नेट एरिया इसके हिसाब से अभी जो डाटा है तुम्हारे हिसाब से उसके हिसाब से 25% बनता है बट उसके हिसाब से 30 पड़ा एक्चुअली 29.25 समथिंग बनता है बट अगेन वी कैन राउंड इट ऑफ टू 30% तो इसके हिसाब से क्या दिया है कि ड्राई लैंड तुम्हारा 70% है और डेजर्टिफिकेशन जो अफेक्ट हो रहा है वो है क्या 30% ठीक है नहीं नहीं यहाँ पर लैंड अंडर डिग्रेडेशन और डेजर्टिफिकेशन में अंतर है लैंड अंडर डिग्रेडेशन जब कंप्लीट हो जाएगा तब तुम्हारा डेजर्टिफिकेशन होगा डेजर्टिफिकेशन वो फेज है जहाँ की इनरिवर्सिबल चेंजेस हो गए हैं लैंड अंडर डिग्रेडेशन मतलब इट इज ऑन द वे टू बिकम डेजर्टिफिकेशन ठीक है समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं दोनों में अंतर समझ में आ रहा है ठीक है तो डेजर्टिफिकेशन ऑलरेडी उसमें था कि 29 समथिंग था वो तुमको जब नोट्स दे देंगे तो उसमें मिल जाएगा कि उतने परसेंट एरिया में डेजर्ट हो चुका है ठीक है ये बात याद रखना और द प्राइमरी कॉज फॉर इट इज वही वाटर से सॉइल इरोजन नहीं दैट इज वन ऑफ द मतलब टॉप 5 में है बट अगेन दैट इज नॉट द प्राइमरी कॉज नियरली आउट ऑफ 30% नियरली 10% के आसपास जो है That is because of water के कारण जो soil erosion होता है Second है plantation का जो होता है उसका degradation. Plantation मतलब overgrazing कर लिया diversity, plant diversity खत्म कर दिया पेड़ काट दिया उस टाइप के कारण desertification हो रहा है That is the second cause. और third cause है wind erosion. ठीक है तो desertification का पहला cause क्या है वाटर के द्वारा सॉइल इरोजन सेकेंड हो गया डिग्रेडेशन ग्रीन कवर और तीसरा हो गया विंड इरोजन ठीक है तो ये तीन प्राइमरी कॉज है बाकी जो तुम बता रहे हो ना एल्कलिनिटी बढ़ना वाटर लॉगिंग दैट इज ओनली 2% के आसपास आउट ऑफ 30 ओके अब हम जब यूएनसीसीडी पढ़ रहे थे तो उसमें भी हमारा क्या था लैंड डिग्रेडेशन के न्यूट्रल हमको बनना था 2030 तक याद आ रहा होगा यूएनसीसीडी जब हम पढ़ रहे थे कंबैटिंग डेजर्टिफिकेशन जब हम पढ़ रहे थे तो क्या था हर एक देश अपना अपना टारगेट सेट करेगा लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी कब तक अचीव हो जाएगा 2030 तक ठीक है तो जस्ट मैं फिर से रिमाइंड करा रहा हूँ ये भी वही सब बातें यहाँ भी फिर से आई है ठीक है कहीं पर दिया हुआ है
वो देख लेना ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा डेजर्टिफिकेशन। नेक्स्ट आते हैं इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। ये भी रिपोर्ट तुम्हारा पुराना है जो इस किताब में दिया हुआ, आई थिंक अमन की किताब में मुझे लेते हैं नहीं न्यूज पेपर में कुछ आया है प्रोसेस नहीं नहीं हर दो से पहली बार तो हर साल निकलता है ठीक है। तो अभी ऑलमोस्ट जो है 2015 की रिपोर्ट मेरी किताब में 2015 का रिपोर्ट पे है, तो अब 2017 का रिपोर्ट तुम्हारे में 2017 का रिपोर्ट पे ठीक है। 0.21 का बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ता है ठीक है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ता है, बट इसमें वही 24% के आसपास जो है तुम्हारा फॉरेस्ट कवर है। गोल हमेशा क्या है 33%। इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए बोलते हैं 33% चाहिए, तो हम लोग अभी 24% के आसपास हैं ठीक है। तो वो एक हो गया। अब तुमको उसमें याद रखना है कि किस स्टेट में किन स्टेट्स में एरिया वाइज सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर है और किन स्टेट में परसेंटेज एरिया वाइज सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर है, दोनों में अंतर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मध्य प्रदेश, क्योंकि राज्य इतना बड़ा है कि फॉरेस्ट कवर एरिया वाइज सबसे ज्यादा हो जाता है, बट परसेंटेज वाइज देखोगे तो कम हो जाएगा ठीक है। सर कुछ बोल नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ नहीं सर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो एरिया वाइज और परसेंटेज वाइज दोनों में एटलीस्ट शुरू के तीन को तुमको याद रख लेना है। तो हम तुमको नोट्स भेज देंगे, उसमें तुम देख लेना कि उसमें क्या कौन कौन सा है ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल एरिया वाइज मध्य प्रदेश सबसे बड़ा है ठीक है, बट अगर परसेंटेज वाइज देखोगे तो कोई और हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हो जाएंगे, फिर अंडमान निकोबार लक्षद्वीप ये सारे आ जाएंगे ठीक है। तो वो तुमको हम भेज देंगे, उससे एक बार देख लेना। इसके साथ ये वाला चैप्टर खत्म हो गया ठीक है।